रीवा अस्पताल चौराहा स्थित सेवा संकल्प केंद्र में समाजवादी जन नेता और किसानों के मसीहा त्योथर के पूर्व विधायक स्वर्गीय राम लखन सिंह की 74वीं जयंती पर श्रद्धांजलि और प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वर्गीय राम लखन सिंह की जयंती पर सेवा संकल्प केंद्र पहुंचे हैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और यहां कार्यक्रम आयोजित हुआ है। शहर अध्यक्ष गुरमीत मंगू, ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल और उनके पुत्र कांग्रेस नेता रमा शंकर सिंह ने स्वर्गीय राम लखन सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया है और पुष्प अर्पित किए हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसके बाद गरीबों को भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई गई है और काफी संख्या में इस दौरान कांग्रेसी नेता और आमजन शामिल हुए। हर गरीब को मिलेगा भरपेट भोजन। आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मंशा भूमाफियाओं के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, और गरीब वर्ग जो पीछे खड़ा हुआ वो सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा हो, उनकी मंशा प्रदेश व रीवा शहर के लिए साफ है। आज हमारे पूजनीय स्वर्गीय बाबू राम लखन सिंह जी, समाजवादी जन नेता, किसानों के जन नेता, समाजवादी विचारक, मीसाबंदी, जनता की हक की लड़ाई के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जेल गए और कभी भी पीछे नहीं हटे। उनकी 74वीं जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस परिवार के लोग, समाजवादी विचारक लोग आज गरीबों के बीच में उनकी जयंती मनाने को लेकर पहुँचे और हर गरीब के घर के पेट में भोजन हो उसकी व्यवस्था इस सेवा संकल्प जो अस्पताल चौराहा में स्थापित है यहाँ पे हम गरीबों को भोजन खिला रहे हैं। हमारे पिताजी जी का जो राज्य जीवन था, सामाजिक जीवन था, वो हमेशा एक गरीबों के सोचते थे, गरीबों के लिए हमें सब अच्छा करने का उनका प्रयास था पूरे जीवन में। तो हमने सोचा कि इस कार्यक्रम को सेवा संकल्प के माध्यम से रीवा शहर के जो यहाँ पर गरीब अस्पताल उनके संख्या में इलाज कराने आते हैं, उनकी संख्या लगभग हम लोग कम से कम 400-500 के आसपास होती है। हमको लगा कि इस अवसर पर हम उनको भी समाप्त है, उनके भोजन पानी देने का हमारा काम करेंगे और बाकी उनके बताए रास्ते पर बराबर हम लोग चल रहे हैं और जो अच्छा से अच्छा हम पड़ता है आम जनता के लिए सब प्रयास करें। इसी रूप से हम सब लोग उनको आगे उनका जन्म था उनको मिला, साझा किया तमाम समाज के हर।